मुंबई से आज सुबह बड़ी खबर सामने आई, एक्टर गोविंदा को गोली लग गई है। वो अपनी ही रिवॉल्वर से जख्मी हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बॉलीवुड अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा जख्मी हो गए हैं। लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करते समय गलती से उनके घुटने में गोली लग गई। उन्हें इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल ले जाया गया है। ये घटना आज यानी मंगलवार सुबह 4:45 के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गोविंदा आईसीयू में है, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल की ओर से अभी इस घटना को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक गोविंदा की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से गोली चल गई, जो उनके पैर में जा लगी। गोविंदा बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर चेक कर रहे थे। इसी बीच गलती से मिस फायर हो गया, गोली उनके घुटनों के पास लगी और फिलहाल उनका इलाज मुंबई के अस्पताल में चल रहा है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद प्रणाम। गोविंदा को गोली कैसे लगी, ये सिर्फ हादसा है या कुछ और, इसकी जांच में पुलिस जुट चुकी है। वर्क फ्रंट की बात करें तो गोविंदा ने इन दिनों एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाई हुई है। वो लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। हालांकि उनके म्यूजिक वीडियो आते रहते हैं, इसके साथ ही वो कई रियलिटी शो में भी नजर आते रहते हैं, जहां वो अपनी लाइफ के ऐसे किस्से शेयर करते हैं जिनसे उनके फैंस अनजान होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।